दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सुपर ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 17 रन, फिर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी कर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में ड्रॉ की स्थिति आ जाने पर फैसला सुपर ओवर से हुआ और एक ऐसा सुपर ओवर मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आखिरकार कैसे 15 रन का पीछा करते हुए सूर्य और हार्दिक ने भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई है तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज एक रोमांचक T20 मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को 185 रन पर ऑल आउट कर दिया। हालांकि 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से भी लगातार विकेट पर विकेट गिरते हुए चले गए, लेकिन मुकाबला तब जाकर रोमांच पर पहुंच गया जब जीत के लिए अंतिम ओवर में 13 रन की आवश्यकता थी। इस दौरान गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम एक छक्के और एक चौके की मदद से मात्र 12 रन बना पाई और इस मुकाबले को ड्रॉ करा दिया। ऐसे में इस मुकाबले में दोनों टीम को जीत नहीं मिली और ना ही दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच फैसला सुपर ओवर मुकाबले से लिया गया जो काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबले के रूप में गठित हुआ। दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से शुरुआत करने के लिए बल्लेबाज रोमन पावेल और निकोलस पूरन मैदान पर आए। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए उमरान मलिक को बुलाया गया, जिन्होंने पहली गेंद पर बल्लेबाज निकोलस पूरन को काफी ज्यादा परेशान किया और एक भी रन नहीं बनाने दिया। तो वहीं उमरान मलिक ने दूसरी गेंद पर बल्लेबाज निकोलस पूरन को परेशान करने की कोशिश की, परंतु गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर निकोलस पूरन ने छक्का लगा दिया और मुकाबले में रोमांच पैदा किया, जिसके बाद उमरान मलिक ने लंबी गेंद डाली और बल्लेबाज ने एक रन बनाया। तो वहीं चौथी गेंद पर रोमन पावेल के सामने भी उमरान मलिक ने चौथी गेंद डाली जिस पर बल्लेबाज ने छक्का लगा दिया। हालांकि अब चार गेंदों के अंदर 13 रन आ चुके थे, लेकिन इस बीच पांचवी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज रोमन पावेल को क्लीन बोल कर दिया जो 6 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। तो वहीं अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सिमरन हेटमायर के सामने उमरान मलिक ने एक बार फिर से छोटी गेंद डाल दी, जिसका फायदा उठाकर सिमरन हेटमायर ने पीछे की तरफ चौका लगा दिया, लेकिन अचानक से फील्डर ने गेंद को रोका और बल्लेबाज को सिर्फ 3 रन मिले और बल्लेबाज हेटमायर 3 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी तरफ से निकोलस पूरन ने 7 रन की पारी खेली। ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम ने 16 रन बना दिए और 17 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को जीत के लिए मिला। दरअसल 17 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे भारतीय टीम आई तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या आए, तो वहीं गेंदबाजी करने के लिए जेसन होल्डर को भेजा गया। इस दौरान जेसन होल्डर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर सूर्य को काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन सूर्य ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 रन लेकर अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर सूर्या ने जैसन होल्डर के सामने छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए चौके के लिए तब्दील कर दिया और मोदी टीम को चिंता में डाला। लेकिन इस बीच जैसन होल्डर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में ट्विस्ट तैयार कर दिया। जी हां दोस्तों, जहां पर जैसन होल्डर ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए, हालांकि 3 गेंदों के अंदर 6 रन बना चुके थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल के सामने जैसन होल्डर ने यॉर्कर गेंद डाली जिस पर 1 रन के साथ बल्लेबाज शुभमन गिल ने स्ट्राइक पांड्या को दे डाली। इस दौरान बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जैसन होल्डर ने मुकाबले में रोमांस बनाकर रखा, क्योंकि अब जीत के लिए 2 गेंदों के अंदर 10 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में जैसन होल्डर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के सामने छोटी गेंद डाली जिस पर हार्दिक पांड्या ने चौके के लिए गेंद को तब्दील कर दिया। इसी के साथ 4 रन के साथ हार्दिक पांड्या ने भी अपना खाता खोला। तो वहीं अभिजीत के लिए अंतिम गेंद पर छक्के की आवश्यकता पड़ी थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए आए जैसन होल्डर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के पैरों पर गेंद डाली जिस पर हार्दिक पांड्या को पहले से ही अंदेशा हो गया था। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने आगे बढ़कर सामने की तरफ छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई, जिसको देखकर टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद सीरीज में करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में जीत हासिल कर सकती है या नहीं, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।